उसके बाद 92 से लेके 2000 तक मैं लाहौर में रही हूँ। लाहौर से हम लोग जब यहाँ पे आए तो कोई नहीं था कि इस मतलब यानी ब्यूटिशियन का कोई रुझान है ही नहीं था। शुरू शुरू में मुझे बहुत दुश्वारी पेश हो गई कि लोग वालर में आना दिक्कते थे, डरते थे, बहुत घबराते थे कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। माशाल्लाह से उनके साथ मेरी अच्छी सी डीलिंग हुई, अच्छे से मतलब ये उनके साथ मेरा सर्विस अच्छा रहा। माशाल्लाह से 2002 से लेके अब तक मैं यहाँ पे कर रही हूँ। माशाल्लाह से मैंने इतने स्टूडेंट भी सिखाया लड़कियों को, तकरीबन 1000 के हिसाब से लड़कियों को मैंने ट्रेनिंग की। जो बेसहारा होते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग करवा के बेसिकली पूरे कर अपने पाँव पे खड़े कराती हूँ। उनको आजकल भी माशाल्लाह से कमाते हैं, अस्तोर में भी है, अच्छा सिकरदू में भी है। मेरी स्टूडेंट हुंजा भी मेरी स्टूडेंट है, अच्छा नॉर्मल में भी है, इधर भी काफ़ी मतलब यानी जहाँ जितने भी ब्यूटिशियंस हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं। 2015 को मैं दुबई गई थी, वहाँ पे जाके मैंने खुसूसन मैंने ये स्किन के ऊपर मैंने स्टडी की, जो आजकल हमारे इलाके में है ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है, लोग नहीं जानते हैं कि मतलब इनकी स्किन कैसी है, वो क्या इस्तेमाल करना, कैसे मतलब कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी, उनको नहीं पता। तो इनके ऊपर मैंने स्टडी करके आई हूँ। फेशियल वगैरह जैसे किसी की स्किन ऑयली होती है, किसी की स्किन है ड्राई होती है, किसी की स्किन बिल्कुल मतलब यानी एक्नी होती है, हम इसी हिसाब से उनको ट्रीटमेंट कर देते हैं, इसी हिसाब से हम मेकअप करते हैं, इसी हिसाब से हम मतलब इवन हेयर कट भी हो कि फेस के हिसाब से आईब्रोज नेचुरली होता ही है, मतलब बंदा एक हुसैन ही होती है, बस लोगों में नहीं होती है, हम उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं उनको निखारने में। फिर उनको थोड़े कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको तराशने में। अच्छा, आप एक खातून ब्यूटीशियन यानी कामयाब खातून रही हैं, ब्यूटीशियन के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में उभर के आई हैं, तो इस कामयाबी के पीछे आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? ये क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को दे दूंगी, क्योंकि माशाल्लाह से मेरा हस्बैंड मेरा साथ रहा, मेरा बेग रहा, तो अब तक मेरा हस्बैंड मेरा साथ था, अब माशाल्लाह नहीं है, तो इंशाल्लाह आगे भी बस ये बच्चे हैं, ये मेरे हस्बैंड के। जैसा कि अक्सर ये होता है कोई भी वर्किंग खातून जब घर से बाहर निकलती है तो मुख्तलिफ इश्यूज का हमारी का सामना करना पड़ता है, तो आप क्या समझती हैं कि आपको किन इश्यूज का सामना करना पड़ा और इन इश्यूज का मुकाबला एक बेहसियत खातून किस तरह करना होता है? जाहिर सी बात है, एक खवातीन एक लड़की मतलब जब घर से बाहर निकलती है सबसे पहले मेरे ख्याल से अपने आप को जब ये कवर करके निकले अपने दायरे में रख के खातीन हर चीज़ कर सकती है। मतलब कोई भी वर्किंग लेकिन उसको इतना वो इश्यूज नहीं होगा, जहाँ हम खुद मतलब यानी वो करते हैं कि अपने आप को मतलब यानी करके जाते हैं तो किसी की नज़रों में आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब तक आपने अपनी मदद आपके तहत ये ब्यूटी पार्लर चलाया है, तो आगे आपके क्या और इरादे हैं ब्यूटिशन के हवाले से? आगे अब तक तो मैं अपनी मदद अपनी तहत मैंने किया है, अपने मुझे ना किसी इदारे से ना किसी उससे मुझे कोई मदद नहीं मिली। अब मैं अपील करती हूँ कि मतलब यानी अगर मुझे हो जाए, मैंने इतने मतलब बड़े बड़े हेवी मशीनों से
ये स्किन के ऊपर मैं स्टडी करके आई हूँ, ये मशीनों के लिए मुझे अगर मदद मिल जाए। लास्ट टाइम हमने सुना था कि आपके लिए वुमेन डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर की जानिब से कुछ मशीनों की खरीदारी के लिए आपको बताया गया था कि वो आपकी हेल्प करेंगे, तो क्या है अब तक उनकी तरफ से कोई आपकी मदद हुई है नहीं हुई है, इस हवाले से आप कुछ बताया हमें? मुझे कोई मदद नहीं मिली है। इवन हम सेक्रेटरी के पास गए थे, वहाँ से हमारे फोके वुमेन डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी था उनके पास गए, ठीक है, पहले उन्होंने कहा 50 कहा, फिर उसके बाद फिर मतलब 45 कहा, फिर जाके 25 तक आ गए, 25 तक आप लोग मतलब यानी ये प्रोडक्ट वगैरह आप परचेज करें, हम आप लोगों के लिए वो कैश देंगे। लेकिन हमने परचेज की, रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला कहीं से भी, हमें मतलब वो ना तो हमें कैश मिली ना कैश के छोड़ो हमसे बात ही नहीं करते। अच्छा सलूक करना चाहिए, अच्छा उनको वो सपोर्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है ख्वातीन को सपोर्ट करें तो ख्वातीन आगे जा सकती है। और अभी आ रहा है वुमेन्स डे, इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे ख्वातीन को? आलमी दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? औरतीन के आलमी दिन के बारे में ये मैं देना चाहूँगी कि हर औरत का हक बनता है कि वो माशरे में निकले, मर्द के शाना बशाना बन के खड़े हो के अपना काम करे, वर्किंग अपना जारी रखे, करे मेहनत करे, मजदूरी करे, इंशाल्लाह उसमें कामयाब रहे।